हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की वूल ली है। आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने 22 फंदे से इसको स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक ही ज्वाइंट है इतना, तो ये ज्वाइंट भी पता नहीं चल रहा है। और ये आर्ट कली में कम्प्लीट हो जाएगा। आप जितना मर्जी इसको बड़ा बनाएंगे, फिर भी इसमें आर्ट कली ही बन के कम्प्लीट होगी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जिस कलर से आपको ये आउटलाइन डालनी है उसी कलर से फंदे लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। आपको 4 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 2 प्लस करने हैं। तो इस तरह के फंदे होने चाहिए, जैसे आप इसको 32 फंदे से भी बना सकते हैं। आपके फंदे पेयर में ही होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में ही ये सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। तो 2 फंदे पहले हम उतार लेंगे ऐसे बिना बुने, जो हमने ये आउटलाइन के लिए डाले हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से देखिए हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ये 2 रो बनाएंगे। यहाँ पे हम ये ऑरेंज कलर ले रहे हैं और मैंने जो नीचे रखा हुआ है इसमें हमने क्रीम कलर ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ से लेके हम लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। अगली रो से हम इसमें डिजाइन स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम उल्टा बुनते हुए लास्ट तक जाएंगे। आप इसको 42 फंदे का भी बना सकते हैं, जितना मर्जी आप बड़ा बना सकते हैं इसको। आप पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली। इसको आपको उतारना है ताकि यहाँ पे होल छोटा रहे, तो आप यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हैं और या फिर फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बुन लेंगे लास्ट के ब्लू फंदे तक। ये देखिए, हमने ये रो पूरी कर ली और बुल को हमने इधर कर लिया। अब देखिए, यहाँ से हम ऑरेंज कलर के 2 फंदे उतारेंगे, इधर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ये हमने देखिए 2 उतार लिए और यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 हमने छोड़ दिए, यहीं से हम पलट लेंगे। और इधर की रो हम पूरा उल्टा बनाएंगे ऐसे, दोनों तरफ से इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। ये बिल्कुल ही नए तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएगा। आप बहुत जल्दी इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से पलट लेंगे और ये 2 फंदे फिर से उतार लेंगे और आगे हम 2 फंदे छोड़ देंगे। इस बुल को आपको ज्यादा टाइट नहीं करना है। ये देखिए, लास्ट में हम 2 फंदे छोड़ेंगे। इधर हमने 2 फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से हम पलट जाएंगे। अब इसको हम ऐसे ही बनाएंगे दोनों तरफ से फंदा छोड़ते हुए। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया। अब 4 फंदे इधर छूट गए, 4 उधर छूट गए। 2 हमने उतार लिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 हमने छोड़ दिए। 8 फंदे बुन के हम यहीं से पलट ले। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए, यहीं से हम वापस पलट लेंगे। 2 हम इधर से उतार लेंगे और हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 2 हम इधर छोड़ देंगे, यहीं से वापस फिर से
पलट लेंगे। अब देखिए चार फंदे सेंटर में हमारे रह गए, ये देखिए। तो यहाँ पे दो दो चार, दो छः, दो आठ, आठ इधर छूट गए, आठ इधर छूट गए, चार फंदे बीच में रह गए। तो देखिए इस तरह से आपको फंदे कर लेने हैं, दो दो फंदे छोड़ देने हैं दोनों तरफ। चार फंदे जब आपके रह जाएंगे तो आप दो दो फंदे दोनों तरफ से ऐड करने लगेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ये चार फंदे बुनेंगे और दो हम आगे से ले लेंगे, ऐसे यहीं से हम पलट लेंगे। यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, अब हम दो इधर से लेंगे, एक और दो, तो आठ हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आप देखिए दो हमें आगे से लेने हैं और गैपिंग को हमें भरना है। तो गैपिंग हम यहाँ से उठाएंगे फंदा, एक यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे हम तीन का एक कर देंगे, एक फंदा और ले लेंगे, उसके बाद हम यहीं से पलट लेंगे ऐसे। तो यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, अब देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे फंदा उठा लेंगे और इसके साथ तीन का एक कर देंगे, एक और आगे से ले लेंगे, फिर यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अब दो आगे से लेंगे तो हम यहाँ से ऐसे फंदा उठाएंगे और दो फंदे, ये तीन का एक किया उसके बाद एक और ले लिया, यहीं से पलट लेंगे। अब वापस देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, दो हम आगे से लेंगे, ये देखिए तीन का एक करेंगे पंद्रह और एक सोलह। अब यहाँ से हम वापस लास्ट तक सारे फंदे बुन लेंगे, दो रह गए हैं उनको भी हम ले लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और दो हम आगे से लेंगे, गैफिंग को भरेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तीन का एक कर देंगे और देखिए ये अठारह, यहीं से फिर से पलट लेंगे, इस फंदे को उतारना है आपको। और यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अब दो इधर के रह गए तो हम ये यहाँ पे देखिए ऐसे फंदा उठाया और तीन का एक कर दिया, उसके बाद इस फंदे को भी ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कली आ जाएगी आपकी, ये वाला बन गया। तो अब देखिए हम यहीं से ऐसे पलट लेंगे और देखिए ये वाली जो बूल है यहीं पे हमने छोड़ी थी, तो यहाँ से देखिए इसको एक ऐसे है, दूसरे को हम ऐसे बुन लेंगे। अब हम ये सारी रो इसी कलर से बना लेंगे लास्ट तक, ब्लू कलर से। जो आउटलाइन मैंने डाली है वो हम डाल रहे हैं, तो ये आपको इसी तरीके से बनानी है, दोनों तरफ से इसको उल्टा बनाते जाना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सारे फंदे इस रो में उल्टे बना लेंगे। तो अब टोटल मेरे पास फिर से 22 फंदे आ गए हैं, देखिए। तो यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे बूल अपने तरफ करके, ये रो हम पूरा करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बना लिया, लास्ट का फंदा आपको ऐसे बूल करना है और इसको सीधा बुनना है इस तरह से, तभी आपकी इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ ये किनारी बनेगी। तो अब देखिए ये वाला पार्ट
जो है कली वाला बन गया। अब ये छोटी वाली कली हम बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम देखिए इस फंदे को उतारेंगे उल्टी तरफ से, एक बुनेंगे। ये दो फंदे बॉर्डर के हैं। अब यहाँ से हमें करने हैं फंदे आधे, तो हम 10 फंदे लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये देखिए इधर हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। अब ये वाले फंदे हम दो दो करके छोड़ेंगे। ये देखिए इधर करेंगे इसको ऐसे, देखिए इसको आगे लाएंगे तो एक हम उल्टा बुनेंगे और एक भूल पीछे करके सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये फिनिशिंग के साथ आपकी ये किनारी बन के कम्प्लीट होगी। अब हम यहाँ से देखिए इसको उतार लेंगे, एक बुन लेंगे और इस भूल को आपको ऐसे करना है, तो यहाँ से ये फिनिशिंग के साथ जुड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बनाने के बाद हम यहीं से पलट लेंगे। दो फंदे हमने छोड़ दिए, अब दो दो फंदे छोड़ते हुए हम लास्ट के दो फंदे तक इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस वाले फंदे को आपको ध्यान से उल्टा बनाना है ऐसे, और इस वाले को सीधा, ये देखिए यहीं से पलट जाना है। अब हम यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे, इसको बुनेंगे और इसको हम इधर करेंगे, यहाँ से वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो हम फिर से छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे, एक हम उल्टा बुनेंगे और एक धागा पीछे करके सीधा बुन लेंगे ऐसे, यहीं से वापस पलट लेंगे, इसको हम उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको हम इधर करेंगे ऐसे और यहाँ से ऑरेंज कलर से बुनेंगे, 2, 3, 4 यहीं से पलट लेंगे इसको, 1, 2, 3, 4 इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा ऐसे, वापस यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए इसको हम इधर करेंगे, यहाँ से दो फंदे बुन के हम यहीं से पलट लेंगे ऐसे, 2 इसको पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, एक उल्टा बुन देंगे धागा पीछे करके, एक सीधा। तो देखिए यहाँ पे हमने दो दो करके ये सभी फंदे छोड़ दिए लास्ट के दो फंदे तक। अब देखिए ये ऑरेंज वाले फंदे हम दोबारा से सारे बुन लेंगे, एक बार और हमें रिपीट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहीं से हम पलट जाएंगे। फिर अब यहाँ से 10 फंदे बुन के हम कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए अब इसको हम पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, एक उल्टा बुन लेंगे और एक सीधा ऐसे। अब देखिए हम यहाँ से इसको, अब यहाँ से हम फिर से दो दो फंदे छोड़ते हुए लास्ट के दो फंदे तक आएंगे। ये देखिए दो फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए और हम दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको बनाएंगे। अब हम यहाँ से इसको उल्टा बुन लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ये दो दो फंदे छोड़ते हुए लास्ट तक फिर से आएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। अभी इसको उतारेंगे और यहाँ से देखिए इसको इधर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। ये दो बार आपको इस तरह से रिपीट करनी है डिजाइन, तब यहाँ पे ये
कोई झोल नहीं आएगी आपके डोरमेट में, कितना भी मर्जी आप बड़ा बना लेंगे, इसी तरीके से दो दो फंदे छोड़ते जाना है ऐसे। देखिए अब इसको हम इधर करेंगे, यहाँ से दो तीन चार, चार बुन के हम यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए अब इसको हम पीछे कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, ये सीधा बुनेंगे, इसको बुन लिया, यहां से एक और दो यहीं से पलट लेंगे। लास्ट के दो फंदे तक हमने फिर से छोड़ दिए और इसको हम इधर कर लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे यहाँ पे और एक बुल पीछे करके सीधा। ये देखिए तो इस तरह से देखिए ये कली आपकी छोटी वाली दो बार रिपीट हो जाएगी, दो दो फंदे हमने एक बार छोड़े, फिर सारे फंदे यहाँ पे बुन लिए, फिर दो दो फंदे छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतार लेंगे और यहाँ से ब्लू कलर से बुनेंगे, एक दो, एक उतार लिया, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे ये हो गए बॉर्डर साइड। अब देखिए यहाँ पे गैफिंग आएगी तो ऐसे इस फंदे को उठाना है और इस फंदे के साथ एक फंदा आगे से ये वाला ले लेना है, ऐसे ये बना दिया। अब यहीं से फिर से पलट लेना है, देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी एक ये आउटलाइन डली हुई है, इतने में हमें डालनी है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐसे बनाना है। तो ये गैफिंग भी भर गई और यहाँ पे ये आउटलाइन भी डल गई, ये देखिए। तो अब यहाँ पे एक कली कंप्लीट होती है, ये देखिए। अब हम इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से एक कली कंप्लीट हो गई। अब दूसरी कली बनाने के लिए देखिए फिर से हम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे तो हम थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। तो देखिए दो फंदे हम उतार लेंगे, यहाँ से लगाएंगे हम ऑरेंज कलर, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस, ये देखिए दो फंदे बॉर्डर के। अब देखिए इधर की रो कंप्लीट करने के बाद हम दो फंदे उल्टे तरफ से ये उतार लेंगे, दो फंदे इधर छोड़ लेंगे। तो ऐसे ही हमने ये पूरा आठ कली में कंप्लीट किया है। और देखिए यहाँ पे जब ये ऑरेंज कलर का आपका आएगा, जो भी कलर आप लगाएंगे, यहाँ पे क्रीम से हमने बंद कर दिए, यहाँ पे हमने कोई आउटलाइन नहीं बनाई क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में बना ली। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे तो आप एंडिंग में बना लीजिए। तो इस तरह से हमने ये सिल्की कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।